सक्सेना। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मुख्य मार्ग पर टाइगर आ गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। तो वहीं कानपुर में चिड़ियाघर में टॉय ट्रेन में एक महिला की कुचल कर दुखद मृत्यु हो गई। तो आइए ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ देखते हैं आज के समाचार। निघासन तहसील के आसपास एक महीने से बाघ का आतंक फैला हुआ है। लोगों का कहना है कि बाघ कई लोगों को अपना निवाला बनाकर मौत के घाट उतार चुका है। आपको बता दें, बकरी चराने गए एक बच्चे पर बाघ ने हमला कर दिया था। उसकी चीख सुनकर जब तक लोगों ने उसको बचाने का प्रयास किया, तब तक बाघ ने उसकी जान ले ली। ग्रामीणों ने बताया कि कभी कभी बाघ गांव के पास या लोगों के मकानों की इर्द गिर्द घूमता दिखाई पड़ता है। ऐसे में लोगों का अपने घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार मुख्य मार्ग, गलियों और गन्ने के खेत में भी टाइगर को टहलते हुए देखा गया है। वन विभाग तथा जिला प्रशासन से ग्रामीणों ने गुहार लगाकर इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने की मांग की है। गौरतलब है कि पैरिया ग्राम पंचायत के पास ढकेरवा की ओर जाने वाली सड़क पर बाघ बैठा हुआ कल दिखाई दिया, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया था। चिड़ियाघर शनिवार को एक परिवार के लिए मातम का सबब बन गया। यहाँ चलने वाली टॉय ट्रेन में एक माँ की कटकर दर्दनाक मौत हो गई। पास खड़ी बेटी माँ माँ चीखती रही, लेकिन तब तक उसे दुलराने वाली माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी। नवाबगंज स्थित चिड़ियाघर की टॉय ट्रेन में घटना के समय 25 यात्री सवार थे। यात्रियों को जब जोर का झटका लगा तो चीखने लगे। महिला को बचाने की सारी कोशिशें नाकाफी साबित हुई। महज सेकेंड भर के भीतर ही वो ट्रेन के नीचे आ गई। घटना के तुरंत बाद सभी यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतारा गया। चिड़ियाघर में बताया गया कि ट्रेन की दो बोगियां प्लेटफार्म से निकली ही थी, तभी हादसा हो गया। चीख सुनकर ड्राइवर ने ट्रेन रोकी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा भाई और पापा, क्या हुआ वहाँ पे? कल हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, टॉय ट्रेन में, और क्या हुआ कि हम लोग, मैं तो चढ़ गई, मम्मी आ रही थी तो बीच में खंभा था, मम्मी उससे लड़ी, फिर मम्मी नीचे गिर गई, और फिर धीरे धीरे ट्रेन चलनी शुरू हो गई और उसी पे चढ़ गई मम्मी के ऊपर। ट्रेन के लिए रुकी नहीं, ड्राइवर नहीं रोका? मैं बहुत चिल्लाई कि रोको रोको, उसने नहीं सुना। फिर उधर पीछे से लोगों ने उसको उठाया, फिर मम्मी निकाली। हाँ, मैंने बहुत जोर से उसे चिल्लाया था, हाँ कि भैया रोको रोको रोको, उसने नहीं सुना। मम्मी चिल्ला रही होगी, ये ट्रेन के नीचे दबने से हुई है? ट्रेन पलटी तो नहीं? वो बैठी थी, उसी से गिर गई? नहीं बैठी नहीं, तो वो चढ़ने जा रही थी, खंभे से लड़के गिर गई। संविधान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने पुलिस लाइन में समस्त पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मियों को संविधान के प्रति निष्ठा एवं आस्था की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजीव कुमार वाजपेयी सहित कई CO, इंस्पेक्टर व पुलिसकर्मी मौजूद थे। इसी प्रकार जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट में संविधान के प्रति सभी अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई। उधर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव यादव व वरिष्ठ नेता कीर्तिमान प्रकाश चव्हाण ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संविधान के प्रति शपथ दिलाई।